हेलो दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत में संख्याओं के नाम या संस्कृत में गिनती। इन्हें संख्यावाची शब्द भी कहते हैं, संख्यावाची शब्द। दोस्तों पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें संख्याओं का लिंग भी दिया हुआ है कि किस स्त्रीलिंग में किस संख्या को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग में संख्या को क्या कहते हैं और नपुंसक लिंग में संख्या को क्या कहते हैं। तो एक एक का पुल्लिंग होगा एकः, स्त्रीलिंग संस्कृत होगा इसका एका, नपुंसक लिंग संस्कृत होगा इसका एकम। दो का दो, द्वे, द्वे। तीन का पुल्लिंग होगा त्रिया, स्त्रीलिंग होगा त्रिस्ता, नपुंसक लिंग होगा त्रिणी। चार का पुल्लिंग होगा चत्वारा, स्त्रीलिंग होगा चतस्त्रा, नपुंसक लिंग होगा चत्वारी। नोट है, पांच से संख्या तीनों लिंगों में एक समान प्रयुक्त होते हैं। अब सारी संख्याओं को पढ़ेंगे। एक को संस्कृत में कहते हैं एकः, दो को दो, तीन को त्रयः, चार को चत्वारा, पांच को पंच, छः को षष्ठ। इसमें संख्याओं का लिंग दिया हुआ है कि कौन सी संख्या पुल्लिंग है, कौन सी स्त्रीलिंग। तो ये सारी पुल्लिंग संख्याएं हैं। सात को सप्त, आठ को अष्ट या अष्टौ, नौ को नौ, दस को दश, ग्यारह को एकादश, बारह को द्वादश, तेरह को त्रयोदश, चौदह को चतुर्दश, पंद्रह को पंचदश, सोलह को षोडश, सत्रह को सप्तदश, अठारह को अष्टादश, उन्नीस को एकोनविंशति, बीस को विंशति, इक्कीस को एकविंशति, बाईस को द्वाविंशति, तेईस को त्रयोविंशति, चौबीस को चतुर्विंशति, पच्चीस को पंचविंशति, छब्बीस को षड्विंशति, सत्ताईस को सप्तविंशति, अट्ठाईस को अष्टाविंशति, उनतीस को नवविंशति, तीस को त्रिशत, इकतीस को एक त्रिंशत, बत्तीस को द्वात्रिंशत, तैतीस को त्रयात्रिंशत, चौंतीस को चतुस्त्रिंशत, पैंतीस को पंचत्रिंशत, छत्तीस को षट्त्रिंशत। सैंतीस को सप्तत्रिंशत, अड़तीस को अष्टात्रिंशत, उनतालीस को नवत्रिंशत, चालीस को चत्वारिंशत, इकतालीस को एक चत्वारिंशत, बयालीस को द्वि चत्वारिंशत, तैंतालीस को त्रि चत्वारिंशत, चवालीस को चतुश्चत्वारिंशत, पैंतालीस को पंच चत्वारिंशत, छियालीस को षट चत्वारिंशत, सैंतालीस को सप्त चत्वारिंशत, अड़तालीस को अष्ट चत्वारिंशत, उनचास को नव चत्वारिंशत, पचास को पंचाशत, इक्यावन को एक पंचाशत, बावन को द्वि पंचाशत, तिरपन त्रिपंचाशत, चौवन चतु पंचाशत, पचपन पंच पंचाशत, छप्पन षट पंचाशत, सत्तावन सप्त पंचाशत, अट्ठावन अष्ट पंचाशत, उनसठ नौ पंचाशत, साठ षष्ठी, इकसठ एक षष्ठी, बासठ द्विषष्ठी, तिरसठ त्रिषष्ठी, चौसठ चतुष्षष्ठी, पैंसठ पंचषष्ठी, छियासठ षट्षष्ठी। सड़सठ सप्तषष्ठी,
68 अष्टषष्टि 69 नवषष्टि 70 सप्तति 71 एक सप्तति 72 द्विसप्तति 73 त्रिसप्तति 74 चतुस्सप्तति 75 पंचसप्तति 76 षट्सप्तति 77 सप्तसप्तति 78 अष्टसप्तति 79 नवसप्तति 80 अशीति 81 एकाशीति 82 द्व्यशीति 83 त्र्यशीति 84 चतुर्शीति 85 पंचाशीति 86 षड्शीति 87 सप्ताशीति 88 अष्टाशीति 89 नवाशीति 90 नवति 91 एक नवति 92 द्विनवति 93 त्रिणवति 94 चतुर्णवति 95 पंचनवति 96 षण्वति 97 सप्तनवति 98 अष्टनवति 99 नवमवति 100 शतम। दोस्तों, जैसे हम लोग हिंदी में गिनती याद करते हैं, तो हमें अगर एक से लेकर 10 तक गिनती याद है, तो उसके बाद हम उसमें लिखने में उसमें एक के साथ एक जोड़ा, एक के साथ दो जोड़ा, 12, एक के साथ तीन जोड़ा, 13, ऐसे लिखते जाते हैं। वैसे ही संस्कृत में भी अगर आप लोग एक से लेकर 10 तक आपकी गिनती पूरी याद है, तो आप इसको आसानी से आगे 100 तक बना सकते हैं। उसमें सिर्फ मेन आपको एक से लेकर 10 तक याद कर लिया, उसके बाद 20 को क्या कहते हैं, 30 को क्या कहते हैं, और 40 को, 50 को, 60 को, 70 को, इतना देख लीजिए। फिर उसके हिसाब से उसमें 1, 2, 3, 4 ऐड करते जाएंगे, तो आपकी आगे की गिनतियां बनती जाएंगी। जैसे एक का है, एक का है 2, 3, 4, 50, 60, 7, 8, 9, 10, इतना याद कर लिया। उसके बाद 10 तक 10 हो गया, उसमें आपको देखना 19 में है, 19 को 51 और 20 को 50, और फिर देख लिया 29 को 9 और 30 को 63, 30 हो गया 63 और 29 हो गया 9, 19 है 51 और 29 है 9, 9 और 20 मिला के 9, यानी कि 29 और 51, एक नहीं है 20 में, यानी कि 19। ऐसे लास्ट संख्या और उसके पास की संख्या दो आपको बस गौर करनी है। जैसे 40 का 44 और 39 का 9, 9 और 63, 30 का और 9 मिला के हो गया 39 और ये 44 40। और ऐसे ही 49 का देखते हैं, 49 है 9, 44 यानी कि 9 और 44 यानी कि 40 और 9 मिला के हो गए 49, तो इसका होगा 9, 44। और 50 का देख लेते हैं, 50, और ऐसे देख लेते हैं 59 का 9, 50 होता है 50, 9, 50 और 9 मिलके हो गया 59, और ये 60 का 60। ऐसे ही 69 का 9, 60, 60 और 9 मिला के हो गया 69, 9, 60, और 70 का 70। 79 का देख लेते हैं, 79 का 9, 70 है, 9 और 70 मतलब 70 था, 70 में 9 ऐड कर दिया तो 9, 70 हो गया और इसलिए 79, और 80 का 80 थी।
और ये नवासी थी, नवासी नवासी थी, नवासी होगा, और नवति नब्बे होगा, अस्सी थी अस्सी था, तो इसमें अस्सी में नव ऐड कर दिया तो नवासी थी हो गया नवासी, और ये नवति नब्बे हमने याद कर लिया। और इसका शतम तो सौ होता ही है, इसमें कुछ और संख्याएं दे रखी हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। हजार को सहस्त्रम कहते हैं, दस हजार को अयुतम कहते हैं या दस सहस्त्रम कहते हैं, लाख को लक्षम कहते हैं, दस लाख को प्रयुतम या दस लक्षम कहते हैं, करोड़ को कोटि ही कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।